सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ड्रग्स कनेक्शन तलाश रही एनसीबी बड़ी कार्रवाई की योजना बना रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल राकेश अस्थाना मुंबई के गुपचुप दौरे के बाद शुक्रवार को दिल्ली लौट आए। इस मामले से जुड़े लोगों के मुताबिक जून में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद शुरू हुई ड्रग तस्करी की जांच केस की समीक्षा के लिए अस्थाना मुंबई पहुंचे थे। अस्थाना रात भर के लिए मुंबई ऐसे समय में पहुंचे जब एनसीबी की ओर से बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारे और ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। एनसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, आप अगले 2 सप्ताह में एक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। एनसीबी के अधिकारी के मुताबिक जांच में आगे की हलचल हो रही है। बॉलीवुड की ओर से डिमांड और सप्लाई साइड की ओर से पड़ताल चल रही है। कई ऐसे लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करते हैं और ड्रग रैकेट में भी शामिल हैं। सप्लाई साइड में एनसीबी ने केरल के कासरागोड में एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो बॉलीवुड केसों से जुड़ा हुआ है और मुंबई में मुख्य नारकोटिक्स आपूर्तिकर्ताओं की तलाश में जुटा है। एनसीबी ने इस केस में पहले ही 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें रिया चक्रवर्ती भी शामिल है, जिन्हें करीब 1 महीने तक जेल में बिताने के बाद हाल ही में जमानत पर रिहा किया गया है। हालांकि मुंबई हाईकोर्ट ने ये कहते हुए उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को जमानत नहीं दी कि वो ड्रग डीलर्स के बीच चैन की अहम कड़ी है। रिया चक्रवर्ती के जेल से बाहर आने से पहले ही एनसीबी ने जांच का दायरा दूसरे सितारों तक बढ़ाने का फैसला कर लिया था। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह, फैशन डिजाइनर सिमोन खामबत्ता और सेलिब्रिटी मैनेजर श्रुति मोदी से पिछले महीने पूछताछ हो चुकी है। अब इन जांच के आधार पर जल्द ही एनसीबी बड़ी कार्रवाई के मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट।